Now let's move on to chapter number 3, and the name of the chapter is Hopeful. Let learn to be an optimist. हमें क्या करना है? Optimist बनना है. Positive thinking वाला person बनना है. So वो कैसे होगा? Optimism is important in everyone's life as it makes them forward looking. Optimism से क्या होता है? हम जो है अपनी life में आगे बढ़ते हैं, चीजों को positive way में देखते हैं. Hopeful and a better future and stronger in the face of failure. So failure के केस में भी जो है हम जो है strong feel करते हैं. तो optimism क्या करता है? हमें energy देता है, हमें ताकत देता है life में चीजों से लड़ने की. तो हमें क्या होना चाहिए? हमें optimist होना चाहिए. ये जो है क्या करता है? हमें आगे means life में आगे move on करने में और लाइफ में होपफुल होने में हेल्प करता है. ऑप्टिमिज्म इज द स्किल ऑफ फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. ऑप्टिमिज्म क्या है? पॉजिटिव जो भी एस्पेक्ट्स हैं उस पर फोकस करने में हमें हेल्प करता है. पीपल विद पेसिमिस्टिक एटीट्यूड्स आर अमंग द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग ब्रीड्स. सो ऐसे लोग जो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं, मीन्स जो हर चीज में नेगेटिव थॉट्स देखते हैं, वो क्या होते हैं? वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लोगों में से होते हैं. उनके अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई होती है. दे गिव अप इजिली बिलीविंग दैट एनीथिंग दे डू विल नॉट मेक अ डिफरेंस एंड अज्यूमिंग दे वोंट सक्सीड. तो ऐसे जो पेसिमिस्ट लोग हैं, ये क्या है? ये सोचते हैं कि वो जो भी करेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, और वो कोई भी काम करेंगे उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते. तो ऐसे पेसिमिस्टिक लोगों से दूर रहें, बच के रहें. दे रेयरली सी द गुड वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ. इन्हें लाइफ में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता. ये हर चीज में बुराई ढूंढते हैं, नेगेटिव चीजें ढूंढते हैं. तो ऐसे लोगों से दूर रहें और आप ऑप्टिमिस्ट बनने की कोशिश करें. आई मेक ऑल माई फ्रेंड्स गुड अबाउट देमसेल्व्स. क्या क्या चीजें सोचनी है आपको? ये सोचना है कि मैं अपने सारे दोस्तों को उनके बारे में अच्छा बताऊं, ताकि वो अपने बारे में अच्छा सोच सके. आई लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स. जो भी चीजें हैं उसकी अच्छाई देखता हूं. मीन्स हर चीज की कुछ ना कुछ बुराई होती है, तो बुराई वाले पार्ट को नहीं देखना. हमें क्या करना है? हमें अच्छाई वाले पार्ट को देखना है. सो हमें हमेशा किसी भी चीज के एक ब्राइटर साइड को देखना है. ऐसे लोग क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक कहलाते हैं. आई एम एंथुसियास्टिक अबाउट द सक्सेस ऑफ अदर्स. मैं दूसरों की सक्सेस को देख के क्या हो जाता हूँ? एंथुसियास्टिक हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ. आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट. पीछे जो मैंने जो भी गलतियां की है, पास्ट में मैंने जो गलतियां की उससे मैं चीजों को सीख रहा हूँ, उन गलतियों से सीख रहा हूँ और एक अच्छा चेंज ला रहा हूँ अपने अंदर. I present a cheerful countenance at all times. मैं क्या हूँ? अपने आप को एक cheerful person बनाने की कोशिश करता हूँ. हर समय में मैं अपने आप के अंदर एक खुशी रखता हूँ, ताकि मैं मुझे भी देख के लोग क्या feel करें, एक happiness उनके अंदर भी आए. तो मैं अपने आप को cheerful feel करता हूँ, हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ. I am positive about the future. Future में जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. मैं उसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ. फ्यूचर के लिए मैं सोचता हूँ कि वो हमेशा मेरे लिए कुछ अच्छा ही लेके आएगा. नेक्स्ट इज आई ऑलवेज लुक फॉर मीन्स टू इम्प्रूव माई सेल्फ. मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तरीके ढूंढता हूँ, ऐसे ऐसे तरीके ढूंढता हूँ जिससे मैं अपने आप को क्या कर सकूँ? इम्प्रूव कर सकूँ. आई स्ट्राइव टू बी द बेस्ट आई कैन. मैं अपने आप को बेस्ट साबित करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं एक बेस्ट पर्सन बनूँ. सो ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी हैं चिल्ड्रन, आपको क्या करना है? इन्हें फॉलो करना है लाइफ में, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बन सकते हैं. एंड हियर आफ्टर फॉलोइंग दिस यू कैन पेस योर पिक्चर. नाउ रीड ईच ऑफ द पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट. यहाँ पे बहुत सारे पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एंड टर्न देम इनटू ऑप्टिमिस्टिक वंस. तो इन्हें क्या करना है? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. मीन्स कुछ बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो बुरी बातें बोल रहे हैं अपने बारे में. तो हमें क्या करना है? इन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ऑप्टिमिस्टिक में कन्वर्ट करना है.
तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये सारी मेरी गलती है. तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आई एम द बेस्ट, या फिर कुछ और लिख सकते हो कि आई विल डू दैट टास्क विथ ऑल माई करेज और कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट इज आई एम रॉन्ग, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, आई विल इम्प्रूव मी, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, ये लिख सकते हो आप. आई विल ऑलवेज बी दिस वे, अब आप क्या लिख सकते हो, आई कैन मेक अ पॉजिटिव चेंज इन मी, अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लाऊंगा. क्लियर? सो ऐसे आपको क्या करना है, ये जो कुछ दिए हुए पॉइंट्स हैं इनके भी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आंसर्स लिखने हैं.